देखिए मकर संक्रांति त्यौहार को लेकर बाजार हैं वसत चुके हैं, पतंगे जो हवा में उड़ने लगी है। उदयपुर के एक शिल्पकार है इकबाल सक्का, जिन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इस बार उन्होंने 75 पतंग बनाई है जो बिल्कुल बारीक है, मिट्टी के कण से भी छोटी कहें तो। उनसे बात करेंगे हम किस तरह की पतंगे हैं। देखिए मैं एक बार पहले उनका रिकॉर्ड दिखा दूँ। उनका एक स्लोगन है अजब भी गजब भी, बना अजब बनाते हैं और वह गजब हो जाता है। कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो उन्होंने बनाए हैं, कितने सारे रिकॉर्ड आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर। 1991 से उन्होंने जो रिकॉर्ड है बनाने शुरू किए थे, उसके बाद जो 2023 तक इतने सारे रिकॉर्ड हैं जो उन्होंने हासिल कर चुके हैं। 2024 में भी जो है एक 75 पतंग बनाई है, छोटी मिट्टी के कण से भी बारीक। उनसे बात करेंगे कैसी पतंगे हैं, क्या विशेष इस बार है। भाई साहब पहले स्वागत करता हूँ TV9 राजस्थान में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको चैनल को बधाई देता हूँ मकर संक्रांति की। और मैंने जब ये बनाई है विश्व की सबसे छोटी जो पतंग है 75 पतंग बनाई है, वो दो मेरा इसमें मकसद रहा है। पहला मकसद तो रहा कि भाई मकर संक्रांति है, और दूसरा ये रहा कि 75 साल अपनी आज़ादी को हो चुके हैं, उस खुशी में भी मैंने ये 75 पतंग बनाई है जो आधा मिलीमीटर से भी छोटी, या आप कह सकते हो पाव मिलीमीटर की ये पतंग है। और इसका जो वज़न है 0.075 मिलीग्राम सोना है, और 75 घंटे इसको मुझे बनाने में लगे हैं। तो ये विश्व की सबसे छोटी पतंग है, और मुझे उम्मीद है कि ये देश का नाम रोशन करेगी पूरी दुनिया में। वैसे कैसे बनाते हैं, इसका आइडिया कैसे आया, किस तरह की इसको आपने बनाई है? नहीं, मुझे क्या बचपन से कुछ शौक़ रहा है कि देश के लिए मैं कुछ करके जाऊंगा। तो मैं 12-14 साल की उम्र से ही मुझे, क्योंकि एक ज़माने में अखबार बहुत कम आया करते थे, तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था कि भाई अमेरिका ने केतली बनी, चीन ने ये बनी। तो वहीं से मुझे लगा कि यार हम हिंदुस्तानी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बस वहीं से दिमाग में रहा कि मुझे अब कोई ऐसा काम करना है जो देश को मैं समर्पित कर सकूं। तब से मैंने कभी चेन बनाई, कभी ये बनाया, अभी जैसे राम जी की बनाई, मस्जिद के लिए बनाई, खड़ऊ बनाई, घंटा बनाया। तो इस तरह से 100 विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला पहला मैं भारतीय हूँ दुनिया में कि जिसने 100 विश्व रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज करवाए हैं। और क्योंकि पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वो बात तो अब रही नहीं। जो अब मैं चाहता हूँ कि दुनिया में ये कहे लोग, दुनिया वाले, कि यार अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं विश्व रिकॉर्ड है सूक्ष्म कलाकृतियों के सोने के, वो है भारत में राजस्थान उदयपुर शहर में। मतलब सोने की जो भी आप रिकॉर्ड बनाते हैं सब सोने की चीज़ों से बनाते हैं? जी हाँ, सोने की बनाता, क्योंकि चांदी की मैंने बनाने की कोशिश करी और बनी भी, लेकिन चांदी क्या काली पड़ जाती है, और सोना क्या जैसा कलर होता है वैसे ही कलर रहता है। इसलिए से फिर मैं, क्योंकि मैं, मेरा पुश्तैनी धंधा भी सोने के रहा, पापा दादा सब सोने का काम ही करते थे, सोने और चांदी का करते थे, तो फिर वो सोने का ही मैंने चुना इसके अंदर। ये पतंगे भाई साहब आपने जो बनाई हैं, इसको कैसे बनाया गया, किस तरह की ये पतंगे हैं? इसको इसमें आप देख रहे होंगे कि देखिए फूंदा भी लगा हुआ है, कबानी भी लगी हुई है, बीच का एक ठड्डा भी लगा हुआ है। तो ये इतनी बारीक है कि आप जो चींटी होती है अपनी, चींटी के आप 100 पीस करो और इसका एक पीस करके, और मैंने वेल्ड करा है, तो आप इसे अंदाज लगा लीजिए कि ये कैसे बनी हो। क्योंकि बिगर लेंस से तो शायद आप देख भी नहीं पाएंगे, और ये मैंने बिगर लेंस से ही बनी है, चश्मा भी मेरे दूर का है तो मैंने बिगर लेंस से ही बनी है ये। अभी तक आपने जो रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इस बार 75 पतंगों का ये रिकॉर्ड, यह एक अलग ही रिकॉर्ड है, इसको लेकर क्या? ये अलग ही है, क्योंकि मैं तो देश को समर्पित करना चाह रहा हूँ। और जैसे आप देख रहे हो चरखी भी है इसके अंदर, छोटी सी चरखी भी है, और तांबे की डोर भी मैंने बनाई है, और डोर भी बना के और बाकायदा पतंग को मैंने उड़ाई है, और साथ में एक आदमी का भी आप पतंग देख रहे हैं, आदमी की पतंग भी है, एक बाँस की पतंग भी है, ये भी मैंने उड़ा के और दिखाई है। जो पहली बार किसी ने मतलब तांबे की डोर बना के और पतंग उड़ाई है, ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि कह सकते हो, बल्कि विश्व रिकॉर्ड है ये। अब बस अब इस तरह के रिकॉर्ड बनाने की, क्योंकि आपने बताया कि 100 से ज़्यादा रिकॉर्ड है वो आप बन चुके हैं, जिस तरह के रिकॉर्ड बनाने की आपके कैसे कवायद आई, क्योंकि एक से एक आप धीरे धीरे कुछ करते रहे, तो शुरुआत में कैसे रहा इस? तो शुरुआत में मैंने कहा ना, जैसे मैं पढ़ता था तो मुझे बड़ा दुख होता था कि यार हम हिंदुस्तानी कुछ नहीं कर सके, भाई वहीं से एक जुनून आएगा कि मुझे हिंदुस्तान को कुछ देना है। तो मैंने सबसे पहले कहा जैसे चेन बनी, उसके बाद मैंने केतली बनी, तो इस तरह से धीरे धीरे मैं बनाता गया, और आप लोगों से मुझे मोहब्बत भी मिलती रही, आप लोग उस चीज़ को लोगों को बताते रहे तो मुझे हौसला बढ़ा, तो हौसला फिर किताबों में दर्ज होने लगा, तो मुझे ज़्यादा हौसला लगा कि नहीं यार मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस धरती पर पैदा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस देश को कुछ दे के जाऊँ। क्या उत्साह इस बार मकर संक्रांति का?
नहीं, बहुत अच्छा माहौल है और जिस तरह से आकाश में पतकें उड़ रही है उसी तरह से हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी भाई बहन इस तरह से मोहब्बत से आकाश में पतंगों की तरह उड़ते रहे, एक दूसरे से मोहब्बत का पेच लड़ाते रहे। तो ये थे इकबाल सक्का जिन्होंने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और इस बार जो सोने के कहें तो जो पतंगे हैं छोटे सोने के उस मिट्टी के कण से भी वह पतंगे। देखिए मैं एक बार इनका कमरा दिखा देता हूँ, कितने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं 100 से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड वह यह बना चुके हैं और इस बार फिर से इन्होंने 2024 की शुरुआत कर दी है। देखिए इंडियन वर्ल्ड जो रिकॉर्ड होल्डर हैं एक डॉक्टर इकबाल सक्का, इन्होंने इस तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं कहें तो जिस तरह को देखने को मिलता है हाल ही में जो मकर संक्रांति है उनको लेकर भी एक अजब सा रिकॉर्ड अजब है गजब है यह इनका एक स्लोगन और इस स्लोगन से जो रिकॉर्ड बने हैं कहीं ना कहीं रिकॉर्ड फिर से कायम होंगे। जो मकर संक्रांति पर जो 75 पतंग जो इन्होंने बनाई है उस सोने से, कह रहे हैं कि शुरुआत से ही सोने का हो रहा है और परिवार हैं वह इसी से जुड़ा हुआ था और उसी को लेकर जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय, तो उसके बाद फिर से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। TV9 के लिए राजेश डांगी।